डुमरी थाना क्षेत्र के सिमराडीह के ग्रामीणों ने सड़क चौड़ीकरण कर रही दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के लाइटनिंग मैनेजर सुनील कुमार राय को खोजते हुए कंपनी के बेरिया के आगे शनिवार को लगभग 200 की संख्या में अंदर गए और तोड़फोड़ मचाया। बताया गया कि शुक्रवार को पूर्व सिमराही मोड़ के समीप प्रीतम महतो की जमीन में कंपनी के द्वारा सड़क चौड़ीकरण कार्य कराया जा रहा था, जिस पर सुनील राय और प्रीतम महतो के बीच तूतू-मैं-मैं हुई और फिर मारपीट हो गई, जिसके बाद दोनों की ओर से थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज करवाया गया। सुनील राय ने सोने का चैन, अंगूठी व पैसे निकालने का आरोप लगाया था, तो वहीं प्रीतम ने मारपीट व 1200 रुपए छीनने का आरोप लगाया। शनिवार को सिमराही के ग्रामीणों ने दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के लाइटनिंग मैनेजर को खोजते हुए कार्यालय पहुंचकर तोड़फोड़ की। वहीं कंपनी के एचआर ने बताया कि कंपनी के 5 लोग घायल हुए हैं, वहीं 5 गाड़ियों का शीशा ग्रामीणों ने तोड़फोड़ दिया है। वहीं ऑफिस के लगभग 34 खिड़कियों को तोड़ दिया गया है, जिससे कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सर, दीपक कुमार तंबोली, यहाँ पे मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव एचआर में हूँ। क्या मामला है? सर, आज हमारे यहाँ पे करीब करीब 200-250 लोग सिमराडी के लोग घुस आए थे और दौड़ते हुए सीधा घुस गए कैंप में, और जो जो सामान उनके हाथ में था, डंडे, लाठी और ईंटें, वो सब पूरी हमारी ऑफिस की तोड़ दी। काफ़ी सारे स्टाफ को भी मारा है, जिसमें 3-4 स्टाफ का सर फट गया है जो अभी हॉस्पिटलाइज हैं। करीब करीब 30 से 31 खिड़कियाँ ऑफिस का, लैब का, फ्यूल का, वो तोड़ दिया गया है। साथ में इसके अलावा हमारी 7 से 8 गाड़ियों की विंडशील्ड हो गई, सामने की जितनी कांचें हैं सारी तोड़ दी गई है। तो ये और जान लेने के इरादे से, जिस तरीके से जानलेवा हमला होता है उस तरीके से हमला किया गया। 3-4 लोगों को इतना बुरी तरीके से पिटा गया कि अभी तक उनके सर से खून बह रहा था। उनको हम लोगों ने भी अभी हॉस्पिटल किया, जहां वो लोग हॉस्पिटलाइज हैं। कितने लोग घायल हुए हैं? उनमें करीब करीब 5 लोग ऐसे हैं जिनका सर पे, हाथ में और अलग अलग जगहों पर चोट आई है। कौन कौन है? एक हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एचआर जो हमारे प्रोजेक्ट एचआर हैं वो हैं, उनका सर फट गया है। क्या नाम है? हमारे स्टोर से हैं एग्जीक्यूटिव एचआर में जो है, उनका नाम है राजेश राम, और जो मुकेश खरवार करके है स्टोर एग्जीक्यूटिव, उनका कंधे पे चोट लगी है, हड्डी शायद टूट गई है उनकी। एक हमारा सिक्योरिटी गार्ड था भूपेंद्र सिंह, उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। एक हमारा व्हीकल का ड्राइवर है जो नहा रहा था, नहाते हुए हालत में उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। क्या नाम? एक उनका नाम सर अभी अज्ञात थे, क्योंकि उन्हें सीधा सीधा हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। और एक और पर्सन था जो स्टोर के पास में, मतलब सॉरी, मैस के पास में किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। सभी का इलाज कहाँ किया गया? सभी अभी सर रेफरल हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किए गए हैं और उनका इलाज चल रहा है वहाँ पे अभी। मेरा नाम सूरज सिंह ठाकुर है, व्हीकल मैनेजर हूँ दिलीप बिल्कोन में। क्या मामला हुआ था? मामला ये है सर, कल कुछ लैंड इंश्योरेंस का था, NHI से पैसा मिला नहीं मिला जो भी है, तो हमारे सुनील राय साहब कल गए थे, तो उस मैटर में कुछ उनसे पूछा पाछी हुआ, तो इस विवाद में उनके बाद विवाद हुआ तो झगड़ा भी हो गया, तो फिर पुलिस आई, तो पुलिस में उनको वहाँ लेके चले गए और वो कल का मैटर शांत हो गया। अब आज सारे लोग मिलके, पूरे लोग जब उधर से माइक पे बोलते आए हैं सुनील राय को चाहिए और जब तक नहीं चलेगा, वैसे कैसे ही अंदर से हमला कर दिया। कम से कम 100-150 आदमी थे, तो इधर से ही पहले आपका हमारे वो जो ऑफिस था ऑफिस को तोड़फोड़ किया, उसके बाद में इधर लैब में किया, स्टोर में किया, कुछ इधर जो भी आदमी मिला उसको मारा ठोकी करा, तो कुछ गाड़ियों का नुकसान भी किया, डंपर का किया, TM का और इसका, बस ये हुआ मारा ठोकी करी। जो फिर पुलिस आया, पुलिस ने समझौता किया, फिर उधर लेके उनको बाहर किया गया। कौन थे वो लोग? ये लाल झंडा कुछ पार्टी है, माले पार्टी है क्या है, वो लाल झंडा लाल सलाम करके बोल रहे थे, अब ये कन्फर्म नहीं किया है, पर माले करके ऐसे ही जो लाल झंडा सलाम ऐसे बोल रहे थे, झंडे माइक पे बोल रहे थे इधर। कितने लोग घायल हुए हैं? 8-10 लोगों को तो चोट लगी है, बाकी ये गए हैं, अभी पता चलेगा कौन किधर भग गए हैं। डर के मारे सब कैम्प में से जिसको भी लगा तो मार दौड़ के भगना चालू हो गया कैम्प में से, ये है।